हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आंसर। और आज दोस्तों मैं आप सभी को जो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है नाउन, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों नाउन, नाउन की परिभाषा। इसमें नाउन से रिलेटिव जो कुछ भी होगा सब आपको समझाया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जी हाँ, चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाउन सबसे पहले देखते हैं। नाउन, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो आगे बढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा की तरफ। ये है दोस्तों, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। जी हाँ दोस्तों, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ये है दोस्तों इसकी इंग्लिश की परिभाषा। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद करना बहुत ही आसान है। तो आप इसको, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया इसकी इंग्लिश की परिभाषा। अब देखते हैं दोस्तों इसकी हिंदी की परिभाषा। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप इसको नोट करते जाइए और याद करते जाइए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो एजुकेशन से जुड़ी आपको सारी जानकारी दी जाएगी दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हैं नाउन के, राम, मोहन, दिल्ली, मुंबई, मोबाइल, पेन, ETC। और भी हैं दोस्तों, तो आप इतना नोट कर लीजिए। कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ नाउन। जी हाँ दोस्तों, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए नाउन टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है अब्रेस्ट्रेक्ट नाउन। जी हाँ दोस्तों, पहला है प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी का अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, इसका है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको कहते हैं हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है अब्रेस्ट्रेक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से इसको सीख लीजिएगा दोस्तों और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।